पाकिस्तान के वजीर आजम की कुर्सी जैसे ही खतरे में आई, वैसे ही भारत और बाकी के देशों के लिए उनके मुंह से श्रृंगार रस टपकने लगा। कभी भारत के विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं तो कभी रूस से नजदीकी होने के कारण खुद को अमेरिका के गुस्से का शिकार बता रहे हैं। इमरान खान खुद भी जानते हैं कि अगर अमेरिका से पंगे लिए तो आने वाले समय में और फजीहत हो सकती है। हालांकि चीन और पाकिस्तान से पूरी दुनिया ही अभी फिलहाल परेशान है। एक तरफ चीन ने श्रीलंका को अपने लोन ट्रैप में फंसा लिया और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को पता है कि चीन से नजदीकी अब उनके लिए और भी ज्यादा हानिकारक हो सकती है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूँ आपके साथ आशीष सिंह। लेकिन अब लगता है कि इमरान को पता चल गया है कि चापलूसी काम आने वाली नहीं है। तभी तो कह रहे हैं कि कुछ विदेशी ताकतें नहीं चाहती हैं कि इमरान पाकिस्तान के पीएम बने रहे। अब जानकारों का मानना है कि इससे अमेरिका और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस पर भी काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका से पाकिस्तान को क्या दिक्कत है, क्योंकि पाकिस्तान की दोस्ती तो चीन के साथ है और चीन की अमेरिका से बनती नहीं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और अमेरिका का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान कई मायनों में अमेरिका पर निर्भर है। तो अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रहा है, जबकि चीन पाकिस्तान के इंपोर्ट्स का सबसे बड़ा सोर्स है। पिछले दो दशक में अमेरिका पाकिस्तान के मेजर इन्वेस्टर्स में से एक रहा है, जिसमें मोस्टली कंज्यूमर गुड्स, केमिकल्स, एनर्जी, एग्रीकल्चर, बिजनेस प्रोडक्ट्स, आउटसोर्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन शामिल है। US export to Pakistan is 3.54 billion, यानी कि 26,895 करोड़ रुपए, और US import from Pakistan है 5.28 billion, यानी कि 40,116 करोड़ रुपए, और total trade है 8.2 billion, यानी कि 62,301 करोड़ रुपए। वहीं कुल मिलाकर अमेरिका ने 1951 और 2011 के बीच पाकिस्तान को लगभग 67 बिलियन डॉलर यानी कि 5.09 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया है। और 9/11 के बाद पाकिस्तान दुनिया में अमेरिकी इंटरनेशनल हेल्प में टॉप पर रहा है। द लेवल पीक्ड इन 2010 ट्रंप प्रशासन के तहत 20 लाख की नादर तक पहुंचने के बाद में इसमें लगातार गिरावट दर्ज हुई, और पाकिस्तान को सहायता के लिए बाइडेन प्रशासन का फाइनेंशियल ईयर 2022 बजट अनुरोध लगभग 89 मिलियन डॉलर है, जिसमें आर्थिक विकास और महामारी से संबंधित सहायता के लिए 66 मिलियन डॉलर यानी 501 करोड़ रुपए शामिल है। और अगर कोविड में सहायता की बात करें तो जून 2021 से अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 5.68 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक भेजी थी, वो भी मुफ्त में। अब ऐसी तमाम बड़े विश्लेषणों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके अपने राय को भी पेश कर सकते हैं। मैं थी आपके साथ आशिया और आप देख रहे थे अनकट।